तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले का डॉक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार से था, ओल्ड डॉक्यूमेंट और उसके बाद जो हमने क्लीन किया है कुछ ये डॉक्यूमेंट। दोनों में जब आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप पुराने वाले डॉक्यूमेंट को अगर आप फोटो कॉपी या प्रिंट आउट निकालोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा भद्दे कलर का आपका प्रिंट आउट निकलेगा, लेकिन यही अगर आप इस डॉक्यूमेंट को क्लीन करके जिससे आप देख पा रहे हो अगर इस प्रिंट आउट को निकालोगे तो ये बेहतरीन क्वालिटी में आपका प्रिंट आउट होगा। लेकिन ये चीज़ें आप फोटोशॉप में कैसे आप क्लीन कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि कैसे आप फोटोशॉप में इसको बड़े ही आसानी से डॉक्यूमेंट को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जो फोटोज देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को हम बिल्कुल ही क्लीन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस डॉक्यूमेंट का अगर हम फोटो कॉपी करेंगे या प्रिंट आउट निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा भद्दे किस्म का ये प्रिंट आउट होगा। तो इसको क्लीन करने के लिए हमें आना चाहिए कि फोटोशॉप में इसे कैसे क्लीन किया जा सकता है। तो चलिए हम अभी आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विंडो में चले जाना है और यहाँ पर लेयर पैनल को एक्टिव कर लेना है और इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इसको डुप्लीकेट बनाने के लिए यहाँ पे एक इसको कॉपी कर देंगे, यानी कि इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे तो ये कॉपी बन जाएगा। और उसके बाद एक सेट तैयार कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसे फिल कर लेता हूँ, ठीक है। और जो भी अब हम काम करेंगे इसी सेट के अंदर जो लेयर बना हुआ है यानी कॉपी किया हुआ उसी के अंदर मैं काम करने वाला हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपको चले जाना है आपको लेवल्स में, और लेवल्स में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको चले जाना है इमेज में, और इमेज में जाने के बाद यहाँ पे आप मोड में क्लिक करेंगे और मोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के नीचे आएगा आपको डिस टू रेट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डिस टू रेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर पैनल के नीचे में एडजस्टमेंट टूल मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको लेवल्स पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेवल्स को आप बढ़ाना है, जैसे कि यहाँ पे दाएं साइड वाला है इसको आपको बढ़ाना है। यहाँ पे देख सकते हो आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो रहा है और इसका कलर को अगर आप टेक्स्ट को ब्लैक करना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट को ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। कुछ इतना हमने इसको ब्लैक कर दिया हूँ और अभी यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे ब्लैक हो चुका है और पहले और अभी में जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन साइड में यहाँ पे जो कुछ कलर्स है ये इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए सिंपल आपको ब्रश टूल में क्लिक करना है। यहाँ पे ब्रश टूल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ब्रश टूल को क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रश टूल्स का नंबर यहाँ पे 300 का साइज का ब्रश ले लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह 100% ही रहने देना है और यहाँ पर आपको ऊपर में इसका कलर ले लेना है व्हाइट, व्हाइट कलर यहाँ पे सिलेक्ट है और इसको यहाँ से छोटा कर लेना है ब्रश को। ब्रश को छोटा करने का साइज यहाँ पे है मास्टर डायमीटर, यहाँ पे आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे इसे जो ये साइड में जो ये दाग धब्बे है इसे आप बड़े ही आसानी से यहाँ से इस प्रकार से इसको डिलीट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बड़े ही अच्छी तरीका से यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये डिलीट हो चुका है। तो ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत से आप अपने डॉक्यूमेंट को इजीली तरीका से डिलीट कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें हमने बताने की कोशिश किया है वो आपको बड़े ही आसान तरीके से बताया हुआ है मैंने। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके और कम समय में आप कैसे ये चीज़ों को आप आसानी से सीख सकते हो इसके पीछे मैं माइंड बहुत ही ज़्यादा लगाता हूँ और आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, तब जाकर के आप आसानी से किसी भी चीज़ों को सीखने में सफल हो पाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, तो और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा वो सबसे पहले मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो बात बात में हमने इसको क्लीन कर चुका हूँ और पहले और अभी में जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो ये डिफरेंस है कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लीन करके इस प्रकार से आप अपना डॉक्यूमेंट को क्लीन करके प्रिंट कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से बड़े ही आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।